अस्सलामु अलैकुम सामीन, 24 ज़िलक़ादा और 14 जून है। ख़बर का उन्वान है, मणिपुर में तशद्दुद, फसाद और दंगा फिर से भड़क उठा है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 10 जख्मी हो गए। इस बार देर रात जो तशद्दुद हुआ है, जो फसाद हुआ है, ये मणिपुर के खमैन लोक इलाके में हुआ है, जहाँ फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक खातून समेत 9 लोग मारे गए हैं और 10 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इम्फाल के आला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है। आपको पता ही है कि वहाँ कबायली झगड़ा है और वहाँ रिजर्वेशन को लेकर एक कबीला दूसरे कबीले के आमने सामने है, और इसी कबीले को रिजर्वेशन को लेकर दूसरा कबीला नहीं चाहता कि रिजर्वेशन मिल जाए, वो चाहता है कि मुसावात रहे। इसी बात को लेकर वहाँ झगड़ा है। और आपको पता है कि पिछले एक महीने से मणिपुर में तशद्दुद चल रहा है। कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई थी, जिसमें हालात ये हो गए हैं। अभी बहुत से इलाकों में इंटरनेट बंद है और बहुत से इलाकों में कर्फ्यू अभी फिर दोबारा लग सकता है, क्योंकि सरकार हालात के मुताबिक इकदाम करती है। हालात जैसे होते हैं सरकार ऐसा कदम उठा लेती है, हालात ख़राब होते हैं तो सरकार कर्फ्यू लगा देती है, हालात सही रहते हैं तो सरकार ढील दे देती है। आप सब दुआ भी करेंगे अल्लाह ताला मणिपुर के हालात को दुरुस्त फरमा दें।